मध्य प्रदेश के धार जिले के सादलपुर निवासी कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी लगने के बाद परिजनों के साथ थाने पहुंची छात्रा ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद बड़ी संख्या में केसूर सादलपुर के हिंदू संगठनों के लोग भी थाने पर जमा हो गए थे। मामला दो पक्षों से जुड़ा होने के चलते लोग इसे लव जिहाद से भी जोड़कर देख रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी एक्शन में नजर आई। आरोपित की तलाश में सघन अभियान चलाकर आरोपित को देर रात को बडनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सादलपुर थाना प्रभारी पवन सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी सिदिक निवासी केसूर के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपित युवक का नाबालिका के पिता की दुकान पर खरीदी करने जाता था, जहां दोनों की मुलाकात हुई। बाद में युवक फोन पर बात करने लगा और बच्ची को अपने प्रेम जाल में फंसा दिया। शादी का झांसा देकर बच्ची को मिलने बुलाने लगा और फिर वॉइस रिकॉर्डिंग व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित की मर्जी के खिलाफ उसके साथ बलात्कार किया। सोमवार को भी आरोपी सिदिक ने उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मिलने बुलाया और अपने साथ ले गया और होटल में कमरा बुक कराने की बात करने लगा। जब पीड़िता डर कर रोने लगी तो उसने जान से मार देने व वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर वापस छोड़कर उसे चला गया। घर आने में लेट हुई तो डर के कारण रोने लगी। तब नाबालिका के माता पिता के पूछने पर उसने अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी परिजनों को दी। सर, आज जो ये मामला हुआ, क्या है पूरा? यहाँ पे सादलपुर की एक बालिका है, उसकी उम्र लगभग 16 साल की है। उसके मदर फादर के कपड़े की शॉप है, वहाँ पे सिद्दीक नाम का एक लड़के का आना जाना था। 5-6 महीने से वो उसके मोबाइल पे आपस में बातचीत करते थे। उसके साथ सिद्दीक ने गलत काम भी किया था, तो आज उसके खिलाफ 363, 366, 376 IPC और पासपो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। सर, ये बालिका नाबालिग है तो ये क्या, ये मामला भी ये नाबालिग है, इसीलिए पासपो एक्ट की कार्रवाई हुई है और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और आगे भविष्य में भी उसको जल्दी से जल्दी उसका न्यायालय में चालान सबमिट करके और जो साक्ष्य हैं उसको कराएंगे ताकि उसको जो आरोपी है उसको सजा मिले। अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ? हाँ, उसकी तलाश चल रही है। मेरा मेरे लेने का प्रयास कर रहा होगा। लड़की ने जो भी स्थिति हुई तो लड़की आने में लेट हो गई घर पे। इसके परिवार वालों ने ढूंढना चालू कर दिया। अच्छा। इसकी सहेली को चमकाया, सहेली ने बताया कि उसके साथ गई, तो फिर ये लड़की मना कर रही थी, फिर भी हमने कहा नहीं, कम से कम इनको जो है सबक मिलना चाहिए। उसी में हिम्मत नहीं हुई, नाबालिग भी है, वही बात है। हाँ जी, इसके पहले एक मामला हो चुका आज रामनगर में तकलीफ। नहीं, ये आप राजहंस राजस्थानी भोजनालय शॉप नंबर 6T मार्केट पावर हाउस भिलाई छत्तीसगढ़ की ओर से सभी प्रदेश वासियों और जिले वासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राजहंस राजस्थानी भोजनालय पर शुद्ध शाकाहारी भोजन की उत्तम व्यवस्था आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ पर पार्सल एवं जोमेटो से भी पार्सल सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। प्रोफेसर हरीश जोशी महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेशवासियों तथा जिले वासियों को एक बार फिर से राजहंस राजस्थानी भोजनालय की ओर से आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। पाल क्रियाना स्टोर शॉप नंबर 33G मार्केट पावर हाउस भिलाई छत्तीसगढ़ की ओर से सभी प्रदेशवासियों और जिले की जनता को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाल क्रियाना स्टोर पर क्रियाना सामानों के थोक एवं चिल्हर विक्रेता उपलब्ध है। प्रोफेसर गोपाल प्रसाद सोनी कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों और जिले वासियों को प्रोफेसर गोपाल प्रसाद सोनी की ओर से आप सबको एक बार फिर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।
बिहार मोटरसाइकिल वर्कर्स की ओर से सभी प्रदेश वासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यहां पर सभी कंपनियों के टायर उपलब्ध हैं, साथ ही गारंटी के साथ चक्का थ्रू किया जाता है। आपकी अपनी 80 वर्ष पुरानी दुकान शॉप नंबर 28 टी मार्केट पावर हाउस भिलाई छत्तीसगढ़। प्रोफेसर विनोद व प्रमोद सोनी कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों को एक बार फिर से प्रोफेसर विनोद व प्रमोद सोनी की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।